बरातियों को तो तुम जानते ही हो कि जब बरातें आती हैं तो बढ़िया बढ़िया बफर सिस्टम लगा तो रसगुल्ला छेना रसमलाई और जने का मिला है। देखो परीक्षा जी के मोम पानी आई हो। अब देखिए जब बरात में जात करे तो बरात में खूब सम्मान होत, खूब आदर होत, बढ़िया बढ़िया आइटम धरे होत करे। गांव वाले को तो महाराज पूरी सब्जी में ही लगाए दो जात के तुम जे पूरी सब्जी खा लो। बरातियों को तो बढ़िया बढ़िया बफर सिस्टम लगत। तो देखो बरात में जाओ अब बफर सिस्टम में घुसो तो बफर सिस्टम में सब चीजें बाकायदा लगी होती बढ़िया बढ़िया है। अब तुम एक दोना ले और दोना में तुम चाहे 10 रसगुल्ला धरो चाहे तुम 2 रसगुल्ला धरो। परीक्षा जी अब जैसे तुम्हारी दोना में 4 रसगुल्ला धरे ठीक 4 धरे। अब तुम्हारी इच्छा भाई के जाओ में तो हम 2 खा लिए और तुम्हारी इच्छा भाई अब ये 2 का करें तो 2 तुमने फेंक दई। और बरातन में ऐसा होत है लोग खाएवे तो ज्यादा बर्बाद ज्यादा कत के नहीं कत रसगुल्ला खाइए 2 और फेंके बगे एक्स्ट्रा में 2 और बरात वाले तो तुम्हें रसगुल्ला नीके नहीं लगत काई काई बे फ्री के तो दोए खा तो दोए फेंकत। और तुम दुकान पे जाओ हलवाई की दुकान पे और दुकान पे जाए के तुम एक 20 रुपया को छेना ले 20 रुपया को एक अब 20 रुपया को एक दोना में दे तो महाराज अब छेना को कैसे खा जब दोना में चासनी हो तो बहुत चाट नहीं जाते के कम जब बेचना चली जाए हैं बहुत चाट चाट के खाई ले जा। तो कहने का मतलब हमारा ये है कि फ्री की चीज को लोग उसकी कदर नहीं करते हैं और जब अपनी मेहनत से चीज कमाई जाती है हमेशा उसकी कदर होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान ने आज बाबा नंद से कहा बाबा दुनिया सारी बेढंकी है सारी दुनिया मतलब ही है अगर आपको पूजन ही करना है तो इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन करो। किसका करो गोवर्धन का। तो जो ये वचन कही के गोवर्धन के का पूजन करो तो बाबा नंद ने कहा बेटा तुम्हें नहीं पता है इंद्र का पूजन हम आज से नहीं बल्कि कई वर्षों से करते आ रहे हैं और मेरी बात सुनो अगर मैंने इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन का पूजन किया तो इंद्र नाराज हो जाएंगे। अरे मन में भात मेरी किसन कन्हैया इंद्र नाराज हो जाएंगे। इंद्र नाराज हो गए जल की वर्षा नहीं करेंगे। अरे कई बरसों से इंद्र को लाला पूजन किए हम लोग से का बाबा पूजन होगा तो सिर्फ और सिर्फ गोवर्धन पर्वत का क्योंकि वो गोवर्धन महाराज जो अपने पथ पर खड़े रहते हैं और अपने पथ पर खड़े होकर के आंधी तूफानों से हमारी मदद करते हैं और जिस पर हरी हरी घास होती है जिस पर हमारी गाय चरती हैं और वो गोवर्धन महाराज हमारी रक्षा करते हैं इसलिए आप पूजन उन्हीं का करो। तो जब ये बात कही तो कहने के बाद में
यशनंदन श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, बाबा नंद ने भगवान की बात मान ली और बात मान करके आज बाबा नंद ने सारे वृंदावन वासियों को इकट्ठा किया और कहा कि आज से कोई पूजन इंद्र का नहीं करेगा, आज से पूजन होगा तो सिर्फ और सिर्फ गोवर्धन पर्वत का होगा। जब ये बात कही तो कहने के बाद में सारे वृंदावन वासी इकट्ठे हुए गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए। भगवान की बात को माना, सुंदर सुंदर पकवान बनाए, सुंदर सुंदर वस्त्र पहने, इंद्र को छोड़ करके गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले। और जब सारे वृंदावन वासी गोवर्धन महाराज का पूजन करने के लिए चले हैं तो कैसे जा रहे हैं सौरभ भैया, ताली बजा करके बोलेंगे सभी लोग बड़े भाव से।